भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के लिस्ट में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। यह महाविहार नालंदा के जैसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में की थी। राजा धर्मपाल के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रमशिला महाविहार लगभग 400 वर्षों से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में बिहार के सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कहलगांव के पास अंतीचक गांव में स्थित है। इससे कुछ ही दूरी पर उत्तर वाहिनी गंगा नदी बहती है। एक मान्यता यह है कि महाविहार के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण संभवतः इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। यहां पढ़ने आने वाले हर किसी को विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ एक साथ करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 100 प्राध्यापक पढ़ाया करते थे। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया था। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने संभवतः 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य विक्रमशिला महाविहार को दुर्ग समझकर ध्वस्त कर दिया था। उसने सभी भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवा दी थी तथा वहां के असंख्य ग्रंथों को जला दिया था। करीब 100 एकड़ से ज्यादा भूभाग में फैले इस विश्वविद्यालय की खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इसे 1978 से 1982 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरा किया। केंद्र सरकार ने भी इस विश्वविद्यालय के नाम पर भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर रखी है।